और गाइस क्या हाल है सभी के, इट्स डीसी हियर एके देवांश। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ ट्रेन सिमुलेटर। आई नो तुम लोग दखन क्वीन को एक्सपेक्ट कर रहे होगे, बट वो क्यों नहीं आई अभी तक वो मैं तुमको वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस देखो, आज की वीडियो में हम चलाने वाले हैं लालगुड़ा वेब 7 के साथ एक ICF ट्रेन, जो कि है, क्या तुम्हें पता कौन सी है? चलो मैं बता देता हूँ, 12756 भवनगर से काकीनाडा के लिए चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तुम्हें याद होगा मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, तो आज की वीडियो को तुम इसको पार्ट 2 भी कंसीडर कर सकते हो। और राइट नाउ मेरी ट्रेन गाइस विरार रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है, एंड गाइस मुझे जस्ट अभी एक मैसेज आता है कि मेरी जो स्पीड है ना वो मुझे वसई रोड तक 60 km/h मेंटेन करके चलना है। तो देखो यार, आज का वेदर कितना शानदार है, अपना वेब 7 है और आज की साउंड्स भी एकदम नई हैं। मैंने एक्चुअली ये न्यू साउंड्स परचेज करी हैं ये ICF के लिए और वेब 7 के लिए। तो देखते हैं आज का अपना एक्सपीरियंस कैसा रहेगा गेम प्ले का। और ये देखो, स्टार्टिंग में ही एक लोकल ट्रेन जो कि विरार से अभी निकली वो मेरे को पैरेलली ओवरटेक करके आगे चली गई। एक्चुअली क्या है ना गाइस, अब देखो मैं तो यहाँ पे स्पीड बढ़ा नहीं सकता, मुझे जस्ट अभी एक मैसेज आया था क्या था, जो कि 60 km/h का था। और भाई क्या शानदार आज का यार अपने वेब 7 का हॉर्न है, देख रहे हो? और देखो यार, तुम सभी को इस ट्रेन का टाइम टेबल पता ही होगा, ये वसई रोड से होके पुणे की तरफ जाती है जब ये मुंबई पे अप्रोच कर रही होती है। आज गाइस हमारा जो सफर है वो वसई रोड से दिवा लाइन पर रहेगा। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया होगा वीडियो में कि खानदेश रूट में जो है इसका अपडेट आया था, तो मैंने सोचा चलो यार नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बना देता हूँ। एज गाइस मेरी एक्टिविटी ये कम्प्लीट हो चुकी थी, मैंने रिसेंटली इसको बनाया था, तो मैंने कहा चलो यार अभी मेरे पास स्टॉक तो है नहीं, तो जो है मैं उसी को रिकॉर्ड कर देता हूँ। अच्छा ये देख सकते हो IRCTC की तेजस एक्सप्रेस जो कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलती है, उसने मुझे यहाँ पे क्रॉस कर दिया। किसी वेब 7 के साथ ये जा रही थी कहाँ, विरार की तरफ, एंड आई थिंक ये थोड़ा लेट चल रही है। यार मेरे को 60 की लिमिट दी गई थी बट मैं 65 कर रहा हूँ, क्या कहते हो? सही है, चलो यार इतना तो चलता है। और मैं एक काम करता हूँ, अपनी ट्रेन के डोर्स को ओपन कर लेते हैं। ऐसे यार अपनी इंडिया में ट्रेन चल रही है और सुबह के टाइम में डोर बंद, ये तो बहुत ही रेयर चीज़ है। अच्छा आज एक तो ना मैं तुम सभी को फ्लैट करने वाला हूँ, पता कैसे, मतलब प्रपोज नहीं कर रहा हूँ या फ्लर्ट नहीं करने वाला हूँ। आज मेरी ICF ट्रेन है तो इसके जो व्हील्स है ना वो फ्लैट व्हील है, तो तुम्हें फ्लैट व्हील की साउंड्स भी आने वाली है। क्या तुम लोग कुछ भी सोचते हो यार। तो चलो गाइस अपने वसई रोड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मुझे यहाँ से पड़ने वाला है 6.5 किलोमीटर। क्या बात है, देख रहे हो क्या ऑन से यार आज के, मतलब आज ना मज़ा आ जाएगा सबको। लालगुड़ा वेब 7, एंड गाइस इसका ये पीछे का डोर इग्नोर करना यार। एक्चुअली अगर मेरी ट्रेन में मुझे अपने डोर्स को ओपन करके चलना है ना, तो मेरे वेब 7 का डोर ओपन होगा ही पीछे वाला, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। एंड आई नो कि तुम सभी को लग रहा होगा कि भाई एक और वीडियो तुम लेके आए हो जो कि वेस्टर्न रेलवे या फिर सेंट्रल रेलवे पे है, और उसमें तुमने मुंबई का पार्ट दिखाया है। आई नो, बट थोड़ा सा टाइम लो, आई मीन मुझे भी दो। हाँ ये मैं सही कह गया यार, थोड़ा सा टाइम दो और मुझे भी दो, मैं जल्दी रेलवर्क्स के न्यू रूट्स को परचेज करूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि सदर्न रेलवे की भी वीडियोस मैं जल्दी लेकर आऊँगा। अच्छा राइट नाउ आई थिंक मेरी ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाली है। आपको पता होगा वसई रोड के बाद जो है नाला सुपारा आता है, यहाँ पर हमारा स्टॉप नहीं है, तो मैं हॉन्ग करके यहाँ से जा सकता हूँ। तो चलो यार गाइस एक काम करते हैं यार, पैसेंजर व्यू में चलते हैं। एक तो अपने ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के ICF कोचेज हैं, और मैंने आई थिंक अभी तक तुम लोगों को ठीक से इसके पैसेंजर व्यूज भी नहीं दिखाए हैं। इतना शानदार भाई ने वर्क किया है और यार तुम उसके मज़े नहीं ले रहे हो ठीक से। गाइस ये ना यार इग्नोर करना, ये कुछ व्हीकल्स जो हैं एकदम से आते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। ये एक्चुअली इस रूट में ना कुछ ग्लिच चल रहा है, वो फ्यूचर में इसको ठीक करते हैं। अच्छा नाला सुपारा पे लोकल ट्रेन अराइव करी है, जिसने मुझे ओवरटेक करा था ना स्टार्टिंग में, कहाँ पर, विरार पर, मैंने उसको यहाँ पर ओवरटेक कर दिया। नाला सुपारा को तो क्या ही क्रूज करके मैंने क्रॉस किया यार। एक तो गाइस आज के लिए भी ना मेरे पास इतने सारे अपडेट्स है ना तुम्हारे लिए, और तुम आज का रन देखना यार अपना इस एक्टिविटी में। ऐसे तुम्हें पता नहीं है थ्रू आउट द जर्नी हमारे साथ क्या क्या सीन होने वाले हैं, मतलब जिसको देख कर तुम कहोगे भाई आज तो क्या ही कंट्रोलिंग हुई है हमारे साथ। एक तो यार इतना प्यारा हॉर्न है ना ये वेब 7 का। गाइस आज की वीडियो की एक बात और है, तुम्हें पता है कि इस ट्रेन को जो है लालगुड़ा का वेब 7 दिया जाता है शायद, तो आज की वीडियो में मैंने लिंक सही दिया है। ज़्यादातर मैं अपनी ट्रेन्स को ना ऑफ लिंक प्रोवाइड करता हूँ, या तो फिर मैं लोगों को फेल कर देता हूँ ज़्यादातर, एंड आई थिंक यही लोको था जो मैंने फेल किया था हुसैन सागर वाली एक्टिविटी में। और यार मेरे को रेड सिग्नल क्लोज आ रहा है, तुम लोगों से मैं बातें करते करते ना इन चीज़ों को भूल जाता हूँ। आज थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ बट एनर्जी बहुत अच्छी है आज, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। एक तो यार इतना प्यारा विजुअल है ना, देख रहे हो, इतना प्यारा साउंड वर्क है। ये देखो लोकल ट्रेन अभी मुझे क्रॉस कर रही है यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, इस हर्ट को तो मैं ऑफ कर देता हूँ, इसकी मुझे नीड नहीं है। बस टाइम तुम लोग एक बार देख लो, टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं अभी, 5:07।
और मेरा रेड सिग्नल थोड़ा क्लोज आ रहा है तो मैं थ्रॉटल पावर पूरी डिक्रीज कर देता हूँ और चलो यार अब ब्रेक लगाते हैं। वेब 7 यार तेरे में लोको ब्रेक सप्लाई करूँगा ना तो उससे इतना कुछ बेनिफिट नहीं होगा, पूरी ट्रेन्स के अप्लाई करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी मेंटली वाली ठीक नहीं चल रही थी पहले, तो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं 25 या 26 तक तुम्हें वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये वीडियो मैं रिकॉर्ड ही 26 की नाइट को कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अब टाइम तो निकल गया, मेरी डेट तो पीछे निकल गई ना, मेरे पास कोई कंटेंट रेडी है और साउंड वर्क पे अगर मैं अभी वर्क करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे तुम्हें पता है यार मेरे को साउंड वर्क से कितना लगाव है कि मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट साउंड वर्क पॉसिबल हो वो प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने सोचा चलो यार अभी प्रतीक भाई पे ही चलते हैं, तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहेगा। अभी तक तो काफ़ी शानदार चल रहा है, ट्रैक साउंड अभी तुम लोग सुन सकते हो क्या शानदार हो रही है। और सिग्नल से मेरी दूरी 10 मीटर है। एक तो यहाँ पे ना वो 105 की स्पीड लिमिट भी है तो वो उसका डिस्टेंस दिखा रहा है, मेरे को सिग्नल का डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, बट सिग्नल भी बहुत क्लोज है यार। तो चलो ट्रेन को अब यहाँ पे हमने रोक लिया है और वेब 7 के पास आ जाते हैं। क्या ब्रेक लगाए हैं यार। वैसे अगर ये आउटर पे रुके हैं पता है कौन से रेलवे स्टेशन के, वसई रोड के रेलवे स्टेशन के, ये तुम लोग देख सकते हो ललगुड़ा वेब 7 3047 जिसका रोड नंबर है। एंड गाइस आगे ट्रैक स्विच हो रखा है यार। आई थिंक गाइस वसई रोड की जो फ्रेट साइडिंग है ना, फ्रेट यार्ड है, उधर से कोई मालगाड़ी अप्रोच कर रही है। थोड़ा सा यार पहले आ जाते तो हम निकल जाते, कोई बात नहीं। अब मैंने तो यार इसको विरार से ही हॉल किया है, इस ट्रेन को मैंने तब से चार्ज लिया है, उससे पहले कौन चला रहा था भाई ने, कैसे चलाई है कैसे नहीं चलाई है मुझे नहीं पता। मैं कैसा लोको पायलट हूँ ये तुम लोगों को अच्छे से पता। अब ये मत कहना कि हाँ भाई एकदम से रेड सिग्नल के करीब जाके हार्ट अटैक देने वाले लोको पायलट हो, क्योंकि यहाँ भी देखो ये रहा मेरा रेड सिग्नल और ये रही मेरी ट्रेन। तो चलो इसका वेट करते हैं क्रॉस करने का, एज यार वो मेरी ट्रैक पर है अभी। अच्छा ये देखो WDG 4D कौन सी शट्टी, आई थिंक विशाखापट्टनम, ये यहाँ पे BLC रेक के साथ वसई रोड की फ्रेट लाइन से बाहर आते हुए। क्या बात है यार, ट्रैक साउंड देख रहे हो क्या धमाकेदार आ रही है। अच्छा गाइस एक इल्यूजन देखोगे, ये देखो मैं अपने हर्ट्ज को ऑफ करता हूँ ना और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ ट्रेन पर तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरी जो ट्रेन है ना वो PLC के ऊपर चढ़ी पड़ी है। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो कोई लोकल ट्रेन वसई रोड से बाहर आई और जा रही है नाला सुपारा की तरफ। आज गाइस लोकल ट्रेन का ट्रैफिक हमारी वीडियो में होगा तो, बट ज़्यादा नहीं होगा। आई मीन गाइस जब मैं वसई रोड से बाहर निकल जाता हूँ और दिवा की लाइन पे हम स्विच हो जाएंगे तब हमें कोई भी लोकल ट्रेन देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ MEMU ट्रेन्स देखने के लिए मिल सकती हैं, वो भी आई थिंक लोकल ट्रेन्स में ही कंसिडर हो सकती हैं। अच्छा चलो बात कम करते हैं और इस मालगाड़ी के निकलने का वेट करते हैं यार। गाइस देख रहे हो यार शानदार लग रहा है अपना कैफे। वेल इसके बारे में मुझे बात करने की नीड नहीं है, अब तुम सभी को पता चल गया होगा अपने BGP का वेब 7 कितना शानदार है यार। सो गाइस ऑलमोस्ट ये मालगाड़ी अपनी फ्रेट लाइन से मेन लाइन पर आते हुए, चलो अच्छा अब हमें सिग्नल मिलेगा तो मैं अपना एक काम करता हूँ हर्ट को ऑन कर लेता हूँ, ट्रैक मॉनिटर को ही ऑन रखते हैं अभी। यस तुम सभी को पता है प्लेटफॉर्म तो अपना बहुत दूर है यार वसई रोड का। अच्छा गाइस एक काम करते हैं यार, अपने ना फ्रंट वाला डोर भी ओपन कर लेते हैं, आई मीन जिसमें मैं बैठा पड़ा हूँ, और दिखता तो खैर मैं हूँ नहीं लोको पायलट उसमें, कोई बात नहीं थोड़ी सी वो मेरी पावर है सबको मत बताना। सो गाइस यहाँ पर जैसे ही मालगाड़ी ने हमारी लाइन को क्लियर किया है तुम सभी देख सकते हो, मतलब थोड़े से ना सेकंड भी नहीं लगा है, मतलब वो मालगाड़ी का जो लास्ट वैगन है वो स्टिल स्विच पर था और तभी ओपन रेल्स ने मेरे को सिग्नल दे दिया। क्या बात है यार हमें यहाँ से निकलने की, मतलब सिग्नल दिया गया है और इधर ये लोकल ट्रेन भी आ जाती है। अगर मैं थोड़ा सा पहले निकलता ना तो यहाँ से फिर पैरेलल रेस हो सकती थी, बट कोई बात नहीं स्टार्टिंग में इतनी सारी यार पैरेलल रेस मैंने दिखाई दी, ऑलरेडी हम ओवरटेक होके आए हैं और एक ही हॉर्न काफ़ी है गाइस। एज मैं किसी स्टेशन से नहीं निकल रहा हूँ, मैं आउटर पे था अपनी ट्रेन के साथ। वैसे देख रहे हो यार अपना वेब 7 जो कि एक 3 फेसर लोकोमोटिव है क्या ही एक्सेलरेट कर रहा है उसमें। अच्छा मैंने थ्रॉटल पावर कितनी लगाई थी पता नहीं यार, चलो ठीक है अभी तो मैंने 70 लगा दिया। एक तो यार इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं स्टिल स्लीपर कोच में बुकिंग करी है मैंने, कोई बात नहीं पूरी ट्रेन अपनी है तो मैं पीछे AC कोच में भी जा सकता हूँ जब मन करेगा। बट गाइस ये तो तुम्हें भी पता है कि ये मुंबई है भाई, और मुंबई में अभी तो मानसून का टाइम चल रहा होगा, बट एनीवेज मुंबई में तुमको मैंने यार इतना बढ़िया सा सनी इवनिंग दिखाई है। अच्छा यहाँ देख सकते हो वसई रोड का जो है फ्रेट ट्रैफिक यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिल जाता है, और कोई लोकल ट्रेन क्या ही स्पीड मेंटेन करते हुए वसई रोड से बाहर आ रही है। अपने वेब 7 को लेकर चलते हैं यार हौले हौले। एंड गाइस मैं 60 की स्पीड एक्सीड नहीं कर सकता हूँ अभी, एस जो मैसेज था ना मेरे लिए वो ये था कि वसई रोड तक आपकी 60 की लिमिट है। ये सही है यार, वसई रोड के आउटर सिग्नल से जैसे ही मैंने अपनी ट्रेन को निकाला है तो स्पीड मैंने अच्छी मेंटेन करी है, मतलब तुम सभी अभी देख सकते हो जो मेरी स्पीड है वो 55 हो चुकी है। ट्रैक साउंड आ रही है तुमको फ्लैट व्हील की,
ये तो आज पूरी वीडियो में चलने वाली है, बस मुझे वसई रोड से एक बार बाहर जाने दो। चलो यार अब ब्रेक लगाते हैं। एक तो गाइस यहाँ पे वसई रोड का यार फ्रेट ट्रैफिक देख रहे हो कितना सारा, और मैं थोड़ा स्पीड पे भी ध्यान देता हूँ। एज मैंने ब्रेक्स लगा के अपनी ट्रेन को तो छोड़ दिया, मैं ना स्क्रीन पे ध्यान दे रहा था बट मैं स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहा था। एज गाइस यहाँ पे ना अभी हमारी 29 की लिमिट लग जाएगी। एज आगे यार मेरा ट्रैक चेंज है, अब ओपन रेल्स की तरफ से जो मुझे यहाँ पे स्पीड दी जाती है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे टेम्प्रेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं एक्टिविटी में। अच्छा ये येलो रखा है इसको इग्नोर करना, मेरी जो स्पीड है वो 29 ही है अभी। एक काम करते हैं चलो अब चलते हैं स्लीपर कोच में। और गाइस क्या कहते हो एसी में चलें क्या? हाँ यार मैं तुम्हें थोड़े जो है पैसेंजर व्यूज भी दिखा दूंगा थ्रू आउट द वीडियो, अभी तो खैर चलो। यार ये मेरा स्लीपर कोच नहीं है, मैंने आई थिंक तुम लोगों को थोड़ा गलत बता दिया, ये गाइस जनरल कोच है। यार ऐसी हरकतें मत करो, स्लीपर का बोल के तुम जनरल में ट्रैवल करवा रहे हो। गाइस देख रहे हो यार क्या रियलिस्टिक ट्रैक साउंड हो रहा है। चलो अपने कैफे में चलते हैं। एक बार अपने वैब 7 की कंप्रेसर साउंड ना, ये गाइस 1.4 जो ओपन रेल्स का वर्जन है ना उसमें कुछ इशू है, तो एक बार आप ट्रेन ब्रेक लगा देते हो तो वैब 7 का जो कंप्रेसर साउंड है वो कंटिन्यूसली साउंड करता ही रहता है। पता नहीं यार ये लोग इस चीज़ को कब फिक्स करेंगे। तो तुम लोगों को कंप्रेसर की साउंड आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, अनलेस अगर तुम थ्री फेसर के फैन हो, एक वैब 7 लोकोमोटिव तुम्हें भी पता है, अगर तुम उसके फैन हो तब तो ठीक है, ये साउंड तो फिर तुम्हारे लिए मैं क्या ही बताऊँ किसी म्यूजिक से कम नहीं होगी। कि भाई जितनी आ रही है बजने दो, हमें तो मज़ा ही आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड बढ़ा लेते हैं और अब चलते हैं थोड़ा बाहर। और यार इस वाले हर्ट को ऑन करता हूँ अब मैं, ऐसा कहते मेरे को प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगानी है तो मेरे को डिस्टेंस का पता होना चाहिए, बट खैर वो तो मैं अपनी सिग्नल का डिस्टेंस देख के भी अपनी प्लेटफॉर्म पे अच्छे से लगा सकता हूँ ट्रेन। इसका जब इतना तो अच्छे हो गए हैं कि हाँ मैं सिग्नल का डिस्टेंस देख कर ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे से रोक सकता हूँ। भाई क्या रियलिस्टिक ट्रैक साउंड है यार, ऐसा लग रहा था मैं प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर रहा हूँ। आई मीन आपने देखा होगा जब आप प्लेटफॉर्म पे एंट्री करते हो ट्रेन में तो क्या एक अलग ही साउंड होती है स्लो स्पीड की। मेरी थ्रॉटल पावर क्या है 0%। चलो ठीक है वैब 7 अब ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आ रहा है यार, तो अब किसके लिए हॉर्न बजा रहे हैं? मे बी गाइस कोई हो। चलो भाई अब रोकते हैं अपनी ट्रेन को। इंजन ब्रेक्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं बट वो इतने सफिशिएंट नहीं होंगे कि मेरी ट्रेन को अच्छे से रोक दें, तो मैं ट्रेन ब्रेक्स को अप्लाई करता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो ये WDG 6G खड़े हैं और वो भी दो वसई रोड पे। एंड गाइस मुझे पता है कि रियल लाइफ में वसई रोड पे ये कॉमन नहीं है, बट देखो ये फ्रेट लोकोमोटिव्स हैं, ये कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी तो शायद साबरमती भी होल्ड करता है, साबरमती या WDG 4G होल्ड करता है ये तो मुझे पता है, मैंने उनको कैप्चर भी करा है, बट मुझे 6G का नहीं पता। क्या साबरमती 6G होल्ड करता है? अगर तुम्हें पता है तो तुम बता सकते हो। एंड गाइस 3 मिनट का मेरा वसई रोड पे हॉल्ट है। अब गाइस हम वेट करते हैं अपने पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीट्स का। तो गाइस अब पैसेंजर्स का वेट करते हैं यार, वो चढ़ेंगे बैठेंगे मुझे नहीं पता, खैर देखते तो है नहीं, पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। गुरु से मैंने बात करी थी इसके लिए बट पता नहीं भाई वो कब लेके आएंगे। उनका सिविलाइजेशन तो इतना ओपी चल रहा है रूट में नो डाउट, बट इन सबको संभालता कौन है, इस घरों में रहता कौन है, ये ट्रेन्स में बैठता कौन है, इनको चलाता कौन है, ये किसी को नहीं पता। वैसे क्या देख रहे हो यार क्या शानदार साउंड कर रहे हैं WDG 6G, और दो हैं तो एक अलग ही लेवल की साउंड एक्सपीरियंस दे रहे हैं यार ये। एंड गाइस ये मॉडल अपने मोहसिन पटेल भाई का है, तो अगर आपको नहीं पता, अरे ये कौन सी ट्रेन आ गई पीछे से? विरार से चर्च गेट के लिए जाने वाली फास्ट लोकल। अच्छा आई थिंक आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने इसको ओवरटेक किया था विरार पे, और ये हमारे पीछे चल चल के यहाँ पे आ गई यार वसई रोड पे। सो गाइस वसई रोड पे एकदम ही अलग लेवल की कंट्रोलिंग यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल चुकी है। यहाँ पे जो दो WDG 6G खड़े हुए थे उनको आगे जाने का सिग्नल दे दिया गया, और इन्होंने यहाँ ट्रैक चेंज भी नहीं किया, तो डेफिनेटली ये दिवा की साइड जा रहे हैं। ऐसे हम लोग देख सकते हो इनका ट्रैक चेंज यहाँ से हो सकता था अगर इनको मुंबई की साइड जाना होता। इनकी जो मालगाड़ी है मुंबई की साइड, आपको पता होगा आई थिंक जोगेश्वरी मालगाड़ियों के लिए एक लास्ट हॉल्ट है, अगर वो मुंबई सेंट्रल की तरफ बढ़ रही होती हैं तो वो उधर जा सकते थे बट वो उधर नहीं गए। यार ये अब मेरे आगे चलेंगे, ये तो फिर ब्लॉक वाला सीन हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, थ्रू आउट द वे हम इनको ओवरटेक कर ही सकते हैं। और क्या कहते हो यार अब ट्रेन में चल के बैठ जाएं क्या? एज गाइस मेरा ना 1 मिनट का टाइम बचा है, अब 1 मिनट में मेरा डिपार्चर टाइम हो जाएगा, और मेरे ब्रेक्स मैं देखता हूँ रिलीज है, थोड़े से अप्लाई भी कर दो यार, क्या पता फिर ट्रेन इधर उधर मूव कर जाए। गाइस यहाँ पे ये लोकल ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर ले लिया, अरे सिग्नल मिल गया है मेरे को, और अभी भी मेरा आधा सेकंड बाकी है, आधा मिनट। अरे यार मैं यहाँ पे बहुत ग्लिच कर जाता हूँ, ग्लिच तुम एक इंसान हो यार, मिस्टेक कर जाता हूँ। अब चलते हैं अपनी पैसेंजर व्यू पे। एंड गाइस अभी तो यार ये तो जनरल कोच है देखो, और जनरल कोच में मुझे तो मैं ट्रैवल करवाना नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है, और अभी तुम देख सकते हो कितने अच्छा वाला सनी इवनिंग हो रखी है। तो गाइस चलो यार अब डिपार्ट करते हैं अपनी ट्रेन के साथ। एंड गाइस देखो जैसा मैंने बताया था जो 6G है वो हमारे आगे चल रहे हैं, तो तुम लोग अभी देख सकते हो जो मेरा क्लियरेंस है ना सिग्नल क्लियरेंस वो ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर का ही है।
तो चलो यार देखते हैं आज का अपना सफ़र कैसा रहेगा। ऐसा वसई रोड के बाद मेरा इतना पास में स्टॉप नहीं है, वो थोड़ा दूर पे है, 47 किलोमीटर पे वो मेरे को पड़ने वाला है और 45 की अभी लिमिट है। तो मैं अपनी ट्रेन को एक काम करता हूँ, 30% की थ्रॉटल पावर पे छोड़ देता हूँ, नहीं 30 भी नहीं 25 रखते हैं, अंदर 25 ठीक रहेगी, ना ज़्यादा बढ़ेगी ना हल्की बढ़ेगी। एंड चलो अपने AC कोच में आ चुके हैं। बस AC फर्स्ट कोच में यार ये कूप थोड़ा कंजेस्टेड नहीं लग रहा, मैं एक काम करता हूँ AC 2 में चलते हैं यार। ये आई थिंक गाइस अपना AC 2 कोच है और एक तो मैं डोर पे खड़ा हूँ यार, मेरा पैसेंजर ना मतलब मैं जैसे ही स्विच करता हूँ वो पहले ही डोर पे खड़ा होता है, उसे पता होता है हमारी हरकतें क्या होने वाली हैं। अच्छा कौन सी सीट है, 7 नंबर है क्या? चलो नहीं 7 नहीं चाहिए मेरे को, 23 पे बैठ जाऊँ क्या? हाँ चलो यार 23 पे बैठते हैं। एक तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है सभी सीट्स के ना जो नंबर है वो सेम है, ये अलग ही लेवल खपला चल रहा है यहाँ पे। बट खैर हम अपनी सीट पे आके बैठ चुके हैं और अगर TTE आता है तो देखते हैं, जब आएगा तब देख लेंगे यार। अच्छा अपनी विधायक भी नहीं है फिर भी। तो बताओ गाइस AC 2 इंटीरियर कैसा लग रहा है? मतलब लग रहा है कि हाँ यार कोई ICF ट्रेन का ये AC 2 का कोच है और इतना डिटेल्ड, लाइक वाओ यार ये गेम में ना क्या हो चुका है मैं बता नहीं सकता। एंड ऑल थैंक्स टू ब्रॉडगेज प्रोडक्शन। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो कोई लोकल ट्रेन, अरे यहाँ पे कोई मालगाड़ी भी है यार। एंड गाइस ये मालगाड़ी आ रही है मुंबई सेंट्रल की साइड से, पूरा ये मुंबई से नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था जोगेश्वरी पे लास्ट स्टॉप है मालगाड़ियों के लिए, तो ये डेफिनेटली उधर से ही आ रही होगी। यार इस पॉइंट ऑफ व्यू को ना थोड़ा बाहर से देखते हैं, देख रहे हो कितना शानदार यहाँ पे विजुअल है यार। और इसको तो हर्ट को मैं ऑफ कर लेता हूँ एंड आई थिंक मुझे इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी, तो तुम लोग आज अच्छे से विजुअल इन्जॉय कर सकते हो। तो मालगाड़ी की साउंड देखो यार। एंड राइट नाउ गाइस हमारी ट्रेन किसी कर्व पर है, ये अगर आप राइट हैंड साइड, याद होगा आपको मैंने एक गरीब रथ एक्सप्रेस चलाई थी जो कि बांद्रा से निज़ामुद्दीन के लिए चलती है, मैंने बांद्रा निज़ामुद्दीन चलाई थी और दिल्ली सराय रोहिला चलाई थी, अब बस ये याद नहीं है यार मेरे को। चलो कोई बात नहीं तुम बता देना अगर तुम्हें याद हो तो। अभी तो अपनी ट्रेन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं जाता हूँ अपने लोकोमोटिव के पास। एंड गाइस एक्चुअली यार मेरे को ना एक मैसेज आ रहा था आज, मुझे लग रहा है हमारा हाई स्पीड का ना एक्शन हो ही नहीं पाएगा। एज गाइस वसई रोड से जब मेरी ट्रेन निकलने वाली होगी ना तो मुझे एक मैसेज आता है कि आपके एक स्लीपर कोच में कुछ खराबी चल रही है, तो आपकी जो ट्रेन है ना उस 70 से आप ऊपर नहीं चला सकते हो, एज उसका जो कोच है जिसमें वो खराबी आई है वो पुणे पे चेंज हो जाएगा। अब पुणे तक इस गाड़ी को 70 km/h तक लिमिट किया गया है यार, ये फिर अच्छी बात नहीं है यार। वैसे गाइस सीनरी देखो यार क्या रियलिस्टिक लग रहा है, अभी ये तुम साइड में देख सकते हो अपने रमेश महाजन जी का वर्क क्या ही इम्प्रूव हुआ है यार विद टाइम। सो गाइस अगर तुम मुंबई से बिलोंग करते हो और वसई रोड से दिवा आपने ट्रैवल किया है तो मेरे को बताना मत भूलना कि आज की जितनी भी सीनरी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ क्या तुम्हें रियलिस्टिक लगी या नहीं लगी। और खैर यार मैं पहले थोड़ी सी ना स्पीड को रिड्यूस करता हूँ, ऐसा गाइस अभी देख सकते हो यार मेरा जो सिग्नल है ना वो रेड एंड येलो हो रखा है, चलो मिल गया, अब मेरा 3 किलोमीटर का क्लियरेंस है तो मैं जा सकता हूँ। इतना हाई स्पीड पर भी नहीं जाएंगे, अभी भी हमें क्रॉल करना पड़ेगा। अच्छा यार आगे जैसे मैंने तुम्हें बताया था वो 2 6G चल रहे हैं हमारे आगे, और चलो यार इसको भी ऑन रखते हैं। एज मुझे गाइस टाइमिंग का थोड़ा पता रहेगा ना कि मैंने कब वीडियो को स्टार्ट किया था और मैं कब इसको बंद कर सकता हूँ। एज गाइस एक तो यार मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको एडिट कब कर पाऊँगा, एक्चुअली गाइस मेरी एक मीटिंग है किसी के साथ, तो आई होप यार उससे पहले मैं इसको फिनिश कर दूँ, वीडियो को ठीक से एडिट कर दूँ और पब्लिश करके मैं अपनी मीटिंग पर ध्यान दूँ। अगर शेड्यूल मैंने अच्छा रखा तो ये वीडियो तुमको डेफिनेटली बाय, मैं ये कहता हूँ 27 या 28 को तो मिल ही जाएगी। अगर भाई ने 26 को रिकॉर्ड करी है और अच्छे से अपनी लिमिट्स को पुश कर दिया तो 27-28 तक तुम्हें ये वीडियो देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। और खैर वो सब ठीक है, सिग्नल पे ध्यान दो यार तुम। अब गाइस तुम लोग देख सकते हो मेरा जो रेड सिग्नल है ना, मेरा जो नेक्स्ट सिग्नल है वो रेड हो रखा है, मैंने पहले ही बोल दिया। थोड़ा सा होता है यार जब नर्वसनेस होती है ना तो ये चीज़ कॉमन है, इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। गाइस आज का गेम प्ले शायद मैं 1 घंटे से अंडर का ही रखूँ, 50 मिनट और 1 घंटा, दैट्स इट, उससे ऊपर मैं आज की वीडियो नहीं लेके जा पाऊँगा। यार क्रॉलिंग में ना एक बेनिफिट है, अब देखो जैसे मेरी ट्रेन चलती जा रही है, एक तो इतनी प्यारी साउंड आ रही है ना यार, और मैं थोड़ा सा हॉन्ग कम कर रहा हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया था आज की वीडियो में मैं थोड़ा हॉन्किंग जो है रियलिस्टिक रखने वाला हूँ, ज़्यादा भी नहीं करूँगा। अच्छा अभी मेरा स्टेशन आ रहा है तो स्टेशन पर तो करनी पड़ेगी मेरे को, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ गाइस अब देखो जैसे मैं स्लो स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ तो मेरे जो सिग्नल है वो मुझे एकदम से लाल नहीं मिल रहे हैं कि मुझे ट्रेन को रोकना पड़ेगा, उसके लिए मेरी ट्रेन अच्छे से चल सकती है, मूवमेंट पे रह सकती है वो। तो कभी भी अगर आपके आगे कोई ब्लॉकर आ जाता है स्लो स्पीड वाला तो तुम्हें भी पता क्या करना है, अपनी ट्रेन को अच्छे से क्रॉल करवाओ। अगर तुम एक बुरे लोको पैलेट की तरह हाई स्पीड में भगाओगे तो तुम्हें रेड सिग्नल पर रुकना पड़ेगा।
एंड राइट नाउ मेरी जो ट्रेन है वो जू चंद्रा। अच्छा, चंद्रा से मेरे को एक अपने फ्रेंड की याद आ गई, बट खैर। तो जू चंद्रा को यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं, मैं अपने वैप 7 का श्रिल हॉन्ग करके जाता हूँ यहाँ से। ये श्रिल हॉन्ग हुआ या लो टोन हुआ? नहीं, आई थिंक ये हाई टोन हुआ। अच्छा, मुझे कोई ट्रेन भी क्रॉस करने वाली है, तो चलो इस हट को भी ऑन करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हॉन्ग करते हैं। 20931 कोचुवेली से इंदौर के लिए चलने वाली वीकली सुपरफास्ट। और देख रहे हो यार, ये सिंगल एल को क्या पुल कर रहा है इस ट्रेन को। पूरी जो वो छगिंग करता हुआ लेके जा रहा है। और मेरी थ्रॉटल पावर क्या रखी है यार मैंने? थोड़ी ज़्यादा ही यार, मैंने 0 पे चला रहा हूँ अपनी ट्रेन को। अच्छा, देख रहे थे यार, ये जो LHB ट्रेन थी क्या ही ट्रैक साउंड करके गई है। एंड गाइस, ये ट्रैक साउंड्स कम्प्लीटली मेरे हैं, थोड़ा सा टाइम देना, मैं इसको भी रिलीज़ करूँगा। एक भाई ने मेरे को पर्सनल में कॉन्टैक्ट करके पूछा था कि भाई इन साउंड्स को आप कब रिलीज़ करोगे, तो जल्दी करता हूँ यार इसको। अरे यार, वीडियो में गाइस कितना टाइम हो चुका है और तब से मैं क्रॉलिंग कर रहा हूँ। अच्छा गाइस, एक चीज़ देखो, अगर ट्रैक मॉनिटर पर देखोगे तो जो ये हमें इंडिकेट करता है कि आप लूप पर स्विच हो रखे हो या आपका ट्रैक स्विच हो रखा है, अब वो हो रखा है। अब वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा तो जो ट्रेन का मूवमेंट है, जो क्लियरेंस है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर का है, बट वो 4 किलोमीटर पर हो रखा है, मतलब वो WDG 6G के लिए। हाँ, आज मैं लोकोमोटिव्स में कुछ भी गड़बड़ी नहीं करने वाला हूँ, सबके नाम मैं एकदम सही लूंगा। एक तो गाइस इतना शानदार हॉर्न है ना यार, गाइस मेरा रेड सिग्नल बहुत क्लोज आ रहा है यार। आई थिंक अब मुझे थ्रॉटल पावर 0 छोड़ देनी चाहिए। तो चलो गाइस, फिर से 3 किलोमीटर का क्लियरेंस, तो थ्रॉटल पावर 10% लगा देंगे। एक तो यार 70 के ऊपर नहीं जा सकते हैं, आगे ब्लॉकर लगा पड़ा है, बट एनीवेज उसको तो हम जल्दी ओवरटेक कर देंगे, अनलेस कुछ भी हरकत नहीं की ओपन रेल्स ने। क्या पता गाइस हमको मेन लाइन से नहीं निकलवाया जा रहा हो, मेन लाइन पे कोई मालगाड़ी खड़ी हो और लूप लाइन से हमें पास होना, तो ये यहाँ पे सिनेरियो भी हो सकता है। तो अब तुम लोग प्रे करो कि ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे मेन लाइन से जाना है। ऐसे ये यार देख रहे हो क्या शानदार सीनरी है, मतलब दूर पे जो पहाड़ दिख रहा है और क्या ही ग्रीनरी है यार। मुझे गाइस अभी कोई ट्रेन जर्नी करने की नीड ही नहीं है, मैं इस गेम में ही अपनी अच्छी खासी ट्रेन जर्नीज कर सकता हूँ, और इतने प्यारे विजुअल मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। देख रहे हो ऐसा, आपका ये जो लेफ्ट साइड में अभी चल रही है ना ये रोड, उस पर आपको व्हीकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे कितने सारे। ये डेफिनेटली कोई हाईवे है, अब ये कौन सा हाईवे है ये मुझे नहीं पता यार। और मेरी ट्रेन इतनी स्लो क्यों हो चुकी है यार? गाइस यहाँ पे बहुत गंदा ग्रेडियंट है यार, हद से ज़्यादा वाला गंदा ग्रेडियंट है। मतलब गाइस आज की ट्रेन पता है मैंने क्या बना रखी है? श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मैंने एक बार उसमें ट्रैवल किया था फ्रॉम मुरादाबाद टू दिल्ली, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था वो मुझे तुम्हें बताने की नीड नहीं है, क्योंकि आज की जो मैं तुम्हें वीडियो दिखा रहा हूँ ना, सेम ऐसा ही हाल था मेरी ट्रेन का। बेयरली मेरी ट्रेन ने 80-90 टच करी थी, पूरे रास्ते ट्रेन 40-50 KMPH पे चली है। अरे यार, ये WDG 6G एक बार मुझे क्लियरेंस दे दे गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको ओवरटेक में ट्राई करूँगा 80 या 85 पे कर दूँ। अच्छा चलो, अब ऑलमोस्ट आई थिंक मेरा क्लियरेंस होने वाला है, तो थ्रॉटल पावर पूरी रखेंगे अब 100%। एंड एक काम करते हैं, अब लोको पे चलते हैं, इधर रखते हैं अपने कैमरा व्यू को। और भाई जान में जान आते हैं, एक तो यार इसका हॉर्न ऐसा है ना मेरे को डरा देता है। अच्छा इसको ऑफ कर लेते हैं, बट गाइस यार क्रॉसिंग होगी तो मुझे पता नहीं चल पाएगा, तो छोड़ो इसको ऑन ही रहने देते हैं। अपना क्या जा रहा है यार, टैक्स थोड़ी ना लग रहा है, लग भी सकता है गाइस, ये GST का टाइम है। अच्छा यार, तुमने इसी बीच अपनी स्पीड लिमिट पर ध्यान नहीं दिया और 65 की चल रही थी और तुमने हद से ज़्यादा स्पीड इंक्रीज कर दी, तो चलो गाइस 0% थ्रॉटल पावर करते हैं। एंड आई थिंक मुझे ब्रेक लगाने की नीड नहीं है, एज मेरी जो ट्रेन है ना वो 90 की स्पीड में आ चुकी है, आई मीन 90 की लिमिट पे आ चुकी है। मेरा लोको उसको टच कर चुका है और मेरी पीछे जो ट्रेन है वो भी टच कर ही देगी सून, तो ये ग्रीन होने ही वाला होगा। 22121 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लखनऊ के लिए जाने वाली AC एक्सप्रेस जो कि डाइवर्ट होकर चल रही है। गाइस ये देख रहे हो, आई थिंक ये मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं आपको कोई ऐसी ट्रेन दिखा रहा हूँ जिसने अलग ही रूट ले रखा है, वो डाइवर्ट होकर चल रही है। अच्छा यहाँ पे 90 की लिमिट मिल चुकी है यार, तुम स्पीड बढ़ाओ, हमने काफ़ी टाइम से हमें क्रॉल करवा दिया है। एक तो गाइस ये अपने ICF CBC कोचेज है ना, तो देखो जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाता हूँ मेरी ट्रेन पे अलग ही लेवल का एक जर्क लगता है। तुम इस चीज़ को फील कर सकते हो अगर तुम प्रॉपर पूरा फोकस के साथ वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा जो फोकस है वो कोचेज पे है। ये मैं तुम लोग को कोशिश करूँगा दिखाऊँ। अच्छा राइट नाउ मेरी ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, एक काम करते हैं चलते हैं अपनी। और भाई देख रहे हो यार क्या व्यू है। अच्छा एक काम करते हैं इधर आके देखते हैं कैसा है व्यू। गाइस अलग ही लेवल यार। अब गाइस ये कह सकते हैं कि जो अपने रमेश महाजन जी है ना, अगर इस रूट में कहीं जंगल वाला एरिया आता है तो आपको हाँ ये है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एक जंगल का भी वाइब मिल जाएंगी इस रूट में। आप सोचो यार कितना हार्ड होता होगा,
पहले आप मुंबई जैसी शहर पे काम कर रहे हो, मुंबई CST, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपको एक जंगल वाली सीनरी करनी है। पता चला आप जंगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उठा दो, बट स्टिल गाइस ये जो रूट है अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो अगर कहीं भी सीनरी कुछ अलग दिखती है तो उसको इग्नोर कर लेना, वो फ्यूचर में सही हो जाएगी। और चलो यार, अब अपनी ट्रेन के साथ इसको करते हैं क्रॉस। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? कमन रोड। तो चलो ऑन करके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई MEMU ट्रेन तुम लोग देख सकते हो, लूप लाइन पे खड़ी है। अच्छा, LTT लखनऊ ने इसको ओवरटेक कर दिया, मतलब ट्रेन डाइवर्ट होकर जरूर चल रही है बट प्रायोरिटी अच्छे से मेंटेन कर रही है। एंड गाइस, मेरी ट्रेन ने 75 की स्पीड यहाँ पे टच करी। और ये देखो यार, ये तुम अभी देखना, जस्ट लेफ्ट साइड में देखो, ये हॉर्न तुम्हारे लिए बजाया मैंने, लाइट 6G। इन्होंने गाइस तब से हमें ब्लॉक कर रखा था यार। और देखो, जैसा मैंने बताया था, ये जो भी स्टेशन होगा मैं उसको 80 के अराउंड क्रॉस कर दूंगा, बट अब मैं उससे ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ। एज गाइस, मेरा जो एक कोच है, जैसा मैंने बताया था कि उसमें कुछ ख़राबी हो चुकी है, तो मैं अपनी ट्रेन को 70 से ऊपर नहीं रख सकता हूँ, बट स्टिल तुम लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मैंने उसको 80 करवा दिया है, बट उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा भाई मैं, क्योंकि एक अच्छा लोको पायलट भी हूँ, अगर मैं कहता हूँ तो मुझे करना भी पड़ेगा। यार क्या ही सफ़र चल रहा है अपना। बस गाइस, अभी अगर विंटर होता ना तो पूरी अच्छे से वाइब्स होती। क्यों? क्योंकि देखो AC कोच में बैठा हूँ और ठंड ऑटोमेटिकली नेचर वाली होती। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। एज मैंने बोला यार, 80 के ऊपर नहीं जाऊँगा, बट मेरी ट्रेन ना ग्रेडियंट पे है। एज गाइस, इस रूट में ना तुम लोग को ग्रेडियंट भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। एक तो यार इस सेक्शन के यार ग्रेडियंट का मैं कुछ नहीं कर सकता। एज गाइस, मेरे को पूरी ट्रेन भी मैन्युअली कंट्रोल करनी है। अगर मैं ऑटो पायलट पर लगा देता हूँ तो ये ट्रेन को 85 से 90 हिट करने में सेकंड्स नहीं लगेंगे। और डायनेमिक ब्रेक्स को यहाँ पे ऑफ रखते हैं और थोड़े से ब्रेक्स और लगा देते हैं यार। अब एक काम करता हूँ, मैं 70 कर देता हूँ अपनी स्पीड। एज गाइस, मैं 77-78 पे छोड़ दे रहा हूँ ना। ओ भाई, सामने देखो यार, कोई ट्रेन आ रही है कर्व से। 1080p पे करके रखना भाई वीडियो, आज के ना मजे हैं तुम लोग पे। तो गाइस, 12617 मंगला लक्षद्वीप, जो कि डाइवर्ट हो रखी है आज, तो भाई अच्छे से है ना, सभी ट्रेन डाइवर्ट हो रखी हैं। सो गाइस, मंगला लक्षद्वीप ने जस्ट मुझे यहाँ पे अभी क्रॉस किया। एक तो किसी कर्व पे क्रॉस किया है यार, क्या ही शानदार विजुअल रहेंगे। अगर मैं अपने डोर पे होता तो तुम लोगों को मज़ा आ जाता, बट खैर कोई बात नहीं, AC कोच में ट्रैवल कर रहे हैं तो डोर पे जाके क्या ही करेंगे यार। अगर तुमने AC की बुकिंग करी है और तुम ऑल द टाइम अगर डोर पे जाके ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर AC कोच में बुकिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा, वो सब ठीक है यार, मेरा आगे ट्रैक चेंज क्यों रखा है आप देख सकते हो, 4 किलोमीटर के बाद मेरा ट्रैक चेंज हो रखा है यार। देखते हैं गाइस क्या सीन है। एक तो तुम्हें भी पता है कि मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी सी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। मैं अपनी स्पीड को गाइस 70 के ऊपर नहीं रख सकता हूँ। अब अगर मेरे पीछे कोई हाई स्पीड ट्रेन होगी, मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट, जिसको तो फिर MPS पे जाना है जो कि यहाँ का 90 है, और अगर मैं 70 मेंटेन कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि वो उसके पास 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो मुझे ट्रेल ईजिली कर सकती है। तो देखते हैं भाई ओवरटेक है क्या सीन है। एज गाइस, लूप लाइन का सिग्नल तो यार रेड हो रखा है, और ये अगर क्लियरेंस है तो ये तो मुझे होम सिग्नल जब मैं क्रॉस करूंगा तभी पता चलेगा। बट खैर, अभी तो चलते हैं यार, देखते हैं क्या सीन है और देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्रॉसिंग कौन सी रह सकती है। एज गाइस, इस एक्टिविटी को बनाते बनाते ना मैंने ढूंढ ढूंढ के ट्रैफिक लगाया भाई, कि हाँ भले ट्रेन को, कोई भी ट्रेन हो, उसको मैं 1/2 आवर या 1 आवर लेट जरूर कर सकता हूँ, बट मुझे ट्रैफिक चाहिए इस रूट पर। अजय यार, इतना बढ़िया यहाँ पे सीनरी वर्क किया है अपने गुरु ने, और मैं फिर अगर एक्टिविटी में अच्छा सा ट्रैफिक वर्क नहीं दिखाता हूँ तो फिर क्या मज़ा आएगा यार तुम लोग को एक्टिविटी खेलने में। अच्छा, अभी देख सकते हो फिर से किसी ब्रिज को हम क्रॉस करने वाले हैं। एक तो यार आज की वीडियो में इतनी रियलिस्टिक मैंने हॉकिंग कर रखी है ना, अब देखो जैसे अभी मेरी ट्रेन यहाँ से जा रही है और इधर उधर कोई भी नहीं है, तो ज़्यादा जो लोको पायलट है वो हॉन्क करते ही नहीं है रियल में भी। वो ज़्यादातर हॉकिंग आपको तभी देखने के लिए मिलेगी अगर किसी शहर से आपकी ट्रेन जा रही है और उस शहर पर आपकी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, तब तो भाई हॉन्ग पे पूरा ऑल आउट है फिर। और अभी तो खैर मेरा कोई शहर ही पास आ रहा है, देखते हैं कौन सा स्टेशन है कौन सा नहीं है। एक तो यार छोटे रेलवे स्टेशनों का ना ये अलग ही लेवल होता है, उनका जो नाम है जैसे स्टेशन का किसी अभी जो भी है, और डेफिनेटली इसका जो सिटी होगी वो इससे अलग ही लेवल दूर होगी, 4-5 किलोमीटर अलग ही कोने में बसी होगी, एक ये अलग चीज़ रहती है यार। तो चलो गाइस, अब लगाते हैं ब्रेक्स। और मेरी थ्रॉटल पावर तो 0 है ना। अरे यार, पहले थ्रॉटल पावर तो बंद कर देते। चलो कोई बात नहीं, एक तो यार आज इतनी अच्छी खासी मैं ट्रेन को ऑपरेट कर रहा हूँ, तुमको इतना रियलिस्टिक गेम प्ले यहाँ पे मिल रहा है उसमें भी तुम्हारी शिकायतें हैं। अच्छा गाइस, अब चलो यार स्लीपर कोच में चलते हैं। अब मैंने बहुत ट्रैवल कर लिया इस कोच में, AC में ट्रैवल ज़्यादा करूँगा ना भाई फिर जुकाम हो जाएगा मेरे को, अपने पास कोई डॉक्टर भी नहीं है। तो चलो यहाँ पे ट्रेन ब्रेक अप्लाई करते हैं। और 29 का क्वेश्चन है ये गाइस, 29 का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो चुका है, काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। अब अगर मैं इसको लूप लाइन पे लगाता हूँ तो हाँ मैं अच्छी स्पीड मेंटेन करवा सकता हूँ,
दूसरे प्लेयर से भी और खुद भी। आप देखो 25 की स्पीड मैं मेंटेन करके, ये कौन सा रेलवे स्टेशन आ रहा है? अच्छा वो ठीक है यार, कोई ट्रेन आ रही है। और गाइस थोड़ा सा रुको यार, मैं डोर पे स्विच करता हूँ सोन, कोई वैप 7 किसी LHP की आप बात यार, तुम ट्रैक साउंड एंजॉय करो पहले। भाई क्या बात है यार, देख रहे थे वैप 7 किसी पार्सल ट्रेन के साथ क्या ही जा रहा है। अच्छा गाइस ये रेलवे स्टेशन है खरबाओ, खरबाओ ठीक है यार। अब देखो नाम आपका है तो मैं उसको जज करने वाला कोई भी नहीं होता हूँ, आपने डिसाइड किया है तो ये आपकी चॉइस है। अच्छा नाम है यार खरबाओ, क्या कहते हो, क्या मुझे खरबाओ रखना चाहिए अपना नाम? नहीं यार, अच्छा है मेरा नाम। तो चलो अब चलते हैं डोर पे। बॉटल कौन छोड़ के गया है यार स्लीपर कोच में? गाइस देखो कोई पैसेंजर है नहीं। अच्छा और क्या क्या छोड़ा है? ये कोई न्यूज़पेपर भी छोड़ के गया है, डेली न्यूज़। ओ भाई स्लीपर कोच में इंग्लिश कौन पढ़ रहा है यार, कौन है ये वेस्टर्न वाला? अच्छा ये देखो कोई बैग भी रखा है। भाई इसमें कुछ उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं है? पता चला मेरे को फिर वो स्क्वाड वालों को बुलाना पड़े चेक करवाने के लिए। और यहाँ एक और यार किसी ने पैकेज छोड़ा हुआ है, एक कपड़ा है या क्या है पता नहीं गाइस, कुछ तो है। मेरे को तो ब्रेक लग रहा है यार, नहीं पता नहीं क्या है, टॉबल होगी मे बी। और खैर गाइस देख रहे हो यार कितना रियलिस्टिक हो रहा है, मतलब तुम देखो सनराइज भी क्या रियलिस्टिक हो रखी है यहाँ पे, जो शेडो आ रही है ना हमारे वैगन की, ओए होए होए अलग अलग। अच्छा ये डोर तो यहाँ पे क्लोज है, इधर वाला खुला है? नहीं यार मेरे को दूसरी साइड वाला व्यू चाहिए। तो चलो गाइस आगे चलते हैं, बहुत इंस्पेक्शन कर लिया यार स्लीपर कोच की। एक तो यहाँ पे कोई बॉटल छोड़ के जा रखा है, ये देखो यहाँ भी बैग छोड़ रखा है, और यहाँ तो किसी ने सोने का इंतज़ाम किया है यार। मेरी ट्रेन में आके तुमने सोने का इंतज़ाम कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा ये देखो खरबाओ पे मेरी ट्रेन क्या ही एंट्री ले रही है आज, तो क्या ही अलग लेवल यार रियलिस्टिक हो रखा है अपना गेम। तो चलो अब आ चुके हैं अपने डोर पे, तो यहाँ पे रहते हैं और थोड़े से यहाँ पे यार ब्रेक्स को अप्लाई कर देता हूँ और थ्रॉटल पावर 0 कर देते हैं। खरबाओ सही स्पेल आउट किया यार मैंने, खरबाओ है, क्या बात है, मतलब रियलिज्म तो अलग लेवल हो गई। ट्रैक साउंड इतनी प्यारी है और इवनिंग का टाइम हो रहा है, मे बी गाइस तुम लोग को सनसेट भी देखने मिल जाए यार। और मैं अपना एक काम करता हूँ यार, पहले ना सिग्नल पे ध्यान देता हूँ। अब वैप 7 तू हॉर्न बजाता रहे यार, एक ये लास्ट हॉर्न था, इसके बाद मुझे बजाने की नीड नहीं है वरना फिर वो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। इनका ये लास्ट हॉर्न भी मैंने इसलिए बजाया आगे कोई आ गया होगा, चढ़ाई नहीं है मैंने भाई ट्रेन, कोई आया होगा ट्रैक क्रॉस कर रहा होगा, मैंने उसके लिए बजाया। अच्छा मेन लाइन का सिग्नल भी ग्रीन हो रखा है, चलो देखते हैं। ओ भाई वो ठीक है, तुम ब्रेक लगाओ पहले तुम ना, वरना बातों बातों में खो जाओगे और तुम्हारा यहाँ पर रेड सिग्नल जंप। तो बस चलो, तो चलो अब अपने लोको पे आ जाते हैं और वेट करते हैं कौन सी ट्रेन हमको ओवरटेक करने के लिए आती है। एक तो गाइस वो जो ट्रेन है वो डाइवर्ट हो रखी थी, ऐसा क्यों हो रखा है वेल मुझे नहीं पता। अच्छा ट्रेन भी आ चुकी है यार मेरे को ओवरटेक करने वाली। एंड गाइस ये है 22178, अच्छा इनको ऑफ करता हूँ पहले, महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि डाइवर्ट हो रखी है। और ये है, ये गाइस कौन सा वेबसाइट था, वडोदरा था गाजियाबाद था, बट खैर वो छोड़ो यार, ये ट्रेन भी डाइवर्ट होकर चल रही है। गाइस ये जो ट्रेन्स है ना ये जलगांव से कसारा वाला रूट जो है लेती हैं, बट ये हमको इस रूट पे देखने के लिए मिल रही हैं। आई थिंक गाइस कुछ सीन हो चुका है यार उस रूट पर, देखो ये ट्रेन डाइवर्ट हो रखी है और LTT से जो लखनऊ के लिए चल रही थी AC एक्सप्रेस वो भी डाइवर्ट हो रखी है। मे बी घाट सेक्शन में कुछ हुआ हो, एज ये मुंबई की साइड है और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो घाट सेक्शन में मे बी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बट एनीवेज उस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। अपनी ट्रेन डाइवर्ट हो रखी है, हमें तो भाई सीन्स एंजॉय करने हैं, ट्रैफिक एंजॉय करना, अपना गेम प्ले एंजॉय करना है। तो चलो अब वेट करते हैं अपने सिग्नल का और देखते हैं कब तक मिलता है। यार एक मिनट देखो, ये सिग्नल मेरे को येलो लग रहा है, एक्चुअली में हो रखा है, थोड़ा सा पास चल के देखते हैं। गाइस यहाँ पे सिग्नल एक्चुअली में येलो रखा है यार, ये तो मेरा दूसरा ओवरटेक लग चुका है। मैंने इतनी स्लो चलाई है यार अपनी ट्रेन, मुझे नहीं पता था यार मैं इतनी स्लो चल रहा हूँ। ऐसा तुम्हें पता यार ग्रेडियंट और वो 6G ने इतना यार ब्लॉक कर दिया अपने को, तो यहाँ पे मेरा दूसरा ओवरटेक लग चुका है। इस ट्रेन के पीछे भी कोई और ट्रेन होगी जो कि अपना MPS मेंटेन करके चल रही होगी। गाइस तुम्हें भी पता है इन ट्रेन्स तो अगर ये डाइवर्ट हो रखी हैं तो इनका तो भाई कोई स्टॉप होगा नहीं, ये वापी और क्या था विरार वसई रोड यहाँ पे बिना रुके चल सकती हैं। तो गाइस ये तो अपना MPS मेंटेन कर रही हैं, ऐसे सब ट्रेनों का भाई स्लीपर कुछ खराब नहीं होता ना, हमारी ट्रेन का ही हो रखा है। पता नहीं है तुझे भी आज खराब होना था कल हो जाता यार। तो गाइस चलो यार इतने टाइम हम अपने लोकोमोटिव में बैठ जाते हैं, ऐसे यार बाहर रह के गर्मी में क्यों खड़े होना है। यहाँ पे देखो फैन है जो कि चल नहीं रहा है और AC लगा पड़ा है जो कि वो भी नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया, तुम बहुत सही फैसिलिटी देते हो। गाइस एक काम करते हैं थोड़ा सा ना डोर के बाहर आ जाते हैं। एंड गाइस क्या तुम लोगों को पता है कि जो मैंने मंडोवी एक्सप्रेस चलाई थी उसके बारे में आपको पता होगा
द रॉयल वेस्ट कोस्ट वो रूट था उसका वर्जन 2 भी रोल आउट हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ था 24 को। तो चलो यार, अब मतलब मेरे पास एक नया रूट और है तुम लोगों को दिखाने के लिए, तो क्या तुम लोगों को उसको इंतज़ार है? अगर इंतज़ार है तो मुझे बता देना। एस मैं चिपलून से, आई थिंक चिपलून से ही है ना, हाँ शायद चिपलून से शायद गाइस रत्नागिरी तक मैं ट्रैवल कर सकता हूँ किसी ट्रेन में। और यहाँ पर यार कोई ट्रेन आ रही है लूप लाइन पे, कोई मालगाड़ी, ये सही है यार, हम यहाँ पे लूप लाइन पे लगे पड़े हैं और इधर एक मालगाड़ी भी आ चुकी है लूप लाइन पे। एक तो यार ये कंप्रेसर आज मानेगा, अरे ये ट्रेन आ चुकी है 12140 सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाइवर्टेड। गाइस यार मैं ओवरटेक्स की ट्रैफिक की रिस्पेक्ट करता हूँ बट डाइवर्टेड ट्रेन से ओवरटेक यार चलो एक से हो चुका है वो मैं मानता हूँ, बट दूसरी डाइवर्टेड ट्रेन से भी ओवरटेक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यार। कंप्रेसर यार थोड़ा सा तो शांत हो जाए, यहाँ देख इतनी प्यारी मालगाड़ी चल रही है उसकी साउंड्स को एंजॉय कर यार। देख रहे हो गाइस क्या शानदार यहाँ पे एंट्री ली है यार मालगाड़ी ने, मतलब एक ट्रेन ने मुझे यहाँ पे ओवरटेक कर दिया और एक यहाँ पे एंट्री कर रही है किसी स्टेशन पर, किसी क्या यार उसका नाम खरबा हुआ है तुम तो उसका दिल मत तोड़ो। गाइस मुझे नहीं पता बट मेरा मेन लाइन का सिग्नल फिर से येलो हो चुका है यार, मेरा थर्ड ओवरटेक है यहाँ पे ये। गाइस तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट टाइम कौन सी ट्रेन चलाई थी, एक लोकल ट्रेन, उसमें मेरे ओवरटेक्स लगने वाले थे, अब वो तो मैंने तुमको दिखा नहीं पाया था। बट आज की वीडियो में जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, एक ही स्टेशन पे तीन तीन ओवरटेक, मुझे लगा था दो हो जाएंगे बट यहाँ तो तीसरा लग चुका है यार। सोचो कौन सी ट्रेन है ये, भावनगर से काकीनाड़ा चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन, इसका तो भाई नसीब आज बहुत ख़राब है, एज मेरा तो बहुत औसत। मुझे तो देखो यहाँ पे मालगाड़ी देखने के लिए मिल रही है, अरे कहाँ जा रही है यार इसका, देखो मेन लाइन जो है ना उसका भी सिग्नल क्लियर हो चुका है, तो चलो तुम्हारा भी ओवरटेक लगने वाला है, टेंशन ना लो। अच्छा देख रहे हो यार कितनी शानदार लग रही है मालगाड़ी, ये भी गाइस अपने ब्रॉडकेज प्रोडक्शन के वैगन्स हैं और ये पे वेयर है या फ्री वेयर ये नहीं पता यार मेरे को। और मेन लाइन का जो सिग्नल है यार अभी भी सिंगल येलो रखा है, अभी किसने ओवरटेक किया था हमें, सेवाग्राम ने। गाइस यार एक तो ना मैं तब से अपना कैमरा व्यू कभी इधर कर रहा हूँ कभी इधर कर रहा हूँ, ऐसे तुम देख सकते हो दोनों मेन लाइन के जो सिग्नल है ना वो ग्रीन हो रखे हैं और ट्रेन किसी की नहीं आ रही है। क्या लगता है पहले किसकी ट्रेन आएगी, मालगाड़ी की या हमारी? अरे यार मालगाड़ी की ट्रेन आ चुकी है। सो गाइस यहाँ पर ये ट्रेन अप्रोच कर रही है 11071 कमायनी एक्सप्रेस जो कि डाइवर्ट हो चुकी है। डाइवर्टेड ट्रेन ने मालगाड़ी को लूप कर दिया, आई मीन चलो यार सीआर की कंट्रोलिंग अच्छी खासी चल रही है। अच्छा यहाँ पे मेरी ट्रेन भी अप्रोच कर गई इतने में, चलो बढ़िया आई थिंक इसके बाद मुझे क्लियरेंस मिल जाए। सुगज 12321 इंपीरियल मेल जो कि डाइवर्ट हो रखी है, बढ़िया है भाई तीसरी डाइवर्टेड ट्रेन है जो कि मुझे ओवरटेक कर रही है। एक तो यार मैंने सिग्नल से 14 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया था, देख रहे हो क्या चाह रही है। अच्छा कौन सी ट्रेन थी ये यार, मैं यही भूल गया, आई थिंक ये जो ट्रेन है ना ये हावड़ा से सीएसटी के लिए चलती है और ये भी डाइवर्ट चल रही है बताओ, और ओवरटेक करके भाग गए यार मेरे को, और जबकि इसका तो स्टॉप यहीं है यार, मुंबई तो जाना है इसको मेरे को, तो सोचो कहाँ जाना है, काकीनाड़ा जाना है। और देखो यहाँ पे मेरा क्लियरेंस हो चुका है तो मेरा जो सिग्नल है वो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टर मेरे को दे दिया गया है, क्या कहते हो निकल जाएं? ऐसे आगे का सिग्नल तो देखो रेड हो रखा है, जाके कोई फायदा होगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं। चलो एज इंपीरियल मेल अपना एमपीएस मेंटेन करके चली रही है, जितना भी यहाँ का है 90 तो 90 होगा तो वो क्लियरेंस कर ही देगी। सो गाइस यहाँ पे क्लियरेंस मिलते हुए, इससे ज़्यादा लंबा हॉर्न मुझे बजाने की नीड नहीं है, अब गाइस निकलते हैं खरबाओ की लूप से और ज्वाइन करते हैं मेन लाइन को। अच्छा यार मैं तुम लोग को जर्क दिखाना भूल गया, आई मीन ट्रेन का, जब मैंने ट्रेन को बढ़ाया ना स्पीड में, आई मीन थ्रॉटल पावर इंक्रीज करी वेब 7 की, तुम लोग को मैं सीबीसी का जर्क दिखा सकता था। ऐसे ट्रेन में लगता है यार बहुत गंदा, अगर तुम रियल लाइफ में भी किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना जो कि सीबीसी है, अगर आईसीएफ ट्रेन, तो उसमें तुम लोग अलग ही लेवल के वाइब्रेशंस को फील करोगे, मतलब वो हिलने वाला नहीं दूसरा ही वाला, जैसे तुम किसी ऑटो में ट्रैवल करते हो तो वो जब एक्सेलरेट करते कैसे हिलते रहते हैं, वही वाला हिसाब है इसका, जब वेब 7 अगर आपकी ट्रेन पे लगा है और वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो तुम एक अलग ही सेंसेशन फील करोगे ट्रेन पे पूरी। और चलो एक काम करते हैं आप लगा देते हैं 20% की थ्रॉटल पावर, एज गाइस मेरे को लूप लाइन से मेन लाइन टच करनी है और गाइस मैं नहीं चाहता कि मैं 29 की स्पीड एक्सीड कर जाऊँ। और चलो अब चलते हैं अपने डोर व्यू पे। अच्छा इस मालगाड़ी का दूसरा ओवरटेक लग चुका है, देखो इसकी जो मेन लाइन है ना उसका सिग्नल यहाँ पे ग्रीन हो रखा है। अच्छा गाइस डाइवर्टेड ट्रेन्स इस पे चल रही हैं तो मतलब डाइवर्टेड ट्रेन्स हमको आज बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती हैं। इसको किसने ओवरटेक किया, कमायनी ने, तो कमायनी के बाद जो भी ट्रेन मुंबई से निकलती होगी और कसारे की तरफ जाती होगी
वो डेफिनेटली अब पीछे आ रही होगी। देखते हैं, क्या पता कोई मालगाड़ी हो, हमें नहीं पता यार। ये ओपन रेल्स है और ओपन रेल्स का इंडियन रेलवेज तो कुछ भी हो सकता है, बट गाइस रियलिज्म आज का अलग लेवल है। अच्छा ये देख सकते हो, मैं इस डोर पे आ चुका हूँ, देख रहे हो, ओए अलग ही लेवल यार। चलो इसको कर देते हैं ऑफ, इसकी हमें नीड नहीं है। और अब इधर आ जाते हैं। इनका आई थिंक ट्रैक मॉनिटर को बंद कर सकता हूँ मैं, इसकी भी मुझे अभी नीड नहीं पड़ेगी। और पीछे देखते हैं मेरी ट्रेन कहाँ तक आ चुकी है। SLR कुछ जो है ऑलमोस्ट मेन लाइन पर टच होने वाला है। और स्पीड भी देखो अच्छी खासी मेंटेन हुई है, मैंने 29 भी एक्सीड नहीं करी और 29 के अंडर में रहा हूँ। मतलब मेरी ट्रेन जैसे निकल रही थी 25 की स्पीड मेंटेन कर ली उसने। बढ़िया यार, आजकल लोको पायलट तुम्हारा अच्छे से मेंटेन कर रहा है ट्रेन को, एकदम रियलिस्टिक। तो चलो अब लगा देते हैं 70% की थ्रॉटल पावर और चलते अपने डोर व्यू पे। इनका एक काम करता हूँ, अभी ना आगे वाले कोच पे चलते हैं। और ध्यान रखना ये स्टंट तुम लोग ट्राई मत करना। ऐसे इस कोच पे रहूँगा ना तो थोड़ा सा वाइब्रेशन देखने के लिए मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, जैसे ट्रेन हिलती रहती है ना वो वाला। तो चलो रैप 7 की एक्सेलरेशन एंजॉय करते हैं। एंड आई थिंक कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है, मुझे नहीं पता यार, देखते हैं। एंड गाइस क्या कहते हो यार, 70 का देखो कॉशन मिल रहा है और वीडियो ऑलमोस्ट एंडिंग पार्ट पे है। तो चाहते हो कि मैं 80 से 85 करूं या अच्छे लोगों पैडल बन के 75 तक चले जाते हैं? चलो एट 75-80 कर लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर हाई स्पीड पर चलाऊंगा तभी तुम लोगों का एंटरटेनमेंट होगा, तुम्हारे लिए तो गेम प्ले मैटर करता है ना। और चलो वो सब ठीक है यार, मैं बातों बातों में एक्चुअली मैं स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ और फ्लैट व्हील की जो साउंड हो रही है अलग लेवल। हैट्स ऑफ टू प्रतीक भाई यार, बहुत मेहनत करता है भाई। मतलब देख रहे हो अभी जो ट्रैक साउंड आ रही है, तुम कह सकते हो कि हाँ यार भाई की ट्रेन चल रही है अच्छी खासी 70 की रफ्तार पे। गाइस यहाँ पर कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है, 01027 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर के लिए जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन। अच्छा ये भी ICF ट्रेन है यार, और किसी वैप 7 के साथ जा रही है, देख रहे हो क्या बात है यार। आज की क्रॉसिंग भी काफ़ी अच्छी हैं गाइस यार, ये क्या बात हो रखी है। अभी तुम लोग देख सकते हो 4 किलोमीटर के बाद फिर से मेरा लूप लाइन का जो है इंडिकेट कर रहा है कि आपको फिर से लूप लाइन पे लगवाया गया है। और सिग्नल मुझे लग रहा है यार फिर से लाल कर रखा है, भाई करना क्या चाह रहे हो तुम आज। एंड गाइस यहाँ पे ना यार मेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन आ रहा है 60 का, तो मैं थ्रॉटल पावर को डिक्रीज कर देता हूँ। क्या बात है यार, व्यू क्या शानदार है। अच्छा ये लोगों की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार? गाइस एक्चुअली मैं ट्रेन में मेरे पैसेंजर्स बैठे हैं, मुझे लग रहा है, देख रहे हो पैसेंजर्स की आवाज़ आ रही है यार एक्चुअली में। तो मतलब वो सामान जो रखा था वो एक्चुअली में किसी का सामान रखा है, भाई क्या रियलिस्टिक लग रहा है यार। थोड़ा सा अभी मैं बाहर करूँगा ना, और अभी देखो अगर मैं FOB थोड़ा सा इतना करता हूँ और इसको ऑफ करूँ, अभी देखो यार क्या शानदार लग रहा है विजुअल, देख रहे हो गाइस। और अब मैं करूँगा छोटे छोटे शॉर्ट हॉर्न बजाने हैं, शॉर्ट भी नहीं थोड़ा लॉन्ग भी कर देते हैं, क्योंकि कर पे आपको भी पता होगा ट्रेन थोड़ी ज़्यादा हॉर्न बजाती है एज लोको पैलेट्स को आगे जो भी है एज कर्व का, उनको तो पता है नहीं कि आगे भाई कौन होगा क्या नहीं होगा, तो उनको थोड़ा सतर्क भी करना होगा। एंड गाइस यार ये जो भी स्टेशन है ना मुझे इसकी लूप पर लगाया जा रहा है और मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा यहाँ पे कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है, अच्छा कोई मालगाड़ी है, चलो इसको तो फिर उसको ऑफ ही रख सकते हैं हम। ये देख सकते हो कोई पैक 7 किसी मालगाड़ी के साथ है यार। अच्छा अभी तो मैंने बोला यार मालगाड़ी आ रही है, ट्रेन की यार स्पीड मत गिराओ तुम, अभी तो लूप लाइन बहुत दूर है। सो गाइस किसी स्टेशन की लूप लाइन पे हमको लगवाया जा रहा है और उस स्टेशन के आउटर पे मेरे को किसी मालगाड़ी ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया जो कि किसी वैक 7 के साथ जा रही थी, किधर वसई रोड की तरफ। एक तो यार आज हाई स्पीड रन देखने नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से देखने मिला ना जब मैंने उस 6G को ओवरटेक किया। चलो कोई बात नहीं यार, अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे कोई गोडाउन है क्या यार, ये गाइस लग तो वैसा ही रहा है, मे बी कोई फैक्ट्री भी हो सकती है किसी चीज़ की, मे बी किसी चीज़ का यहाँ पे प्रोडक्शन चलता हो, मुझे नहीं पता यार। गाइस तुम लोग ही बताना यार ये कौन सी जगह है, देखो किसी शहर के पास मैं अप्रोच कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता ये कौन सा शहर है। मैं अपनी ट्रेन को थोड़ा सा यहाँ पे स्लो कर लेता हूँ, बट सीनरी कितनी प्यारी है यार, मतलब शहर के ऊपर से मेरी ट्रेन जा रही है। ऊपर मतलब ऐसा नहीं मैं शहर के ऊपर से चढ़ा के लेके जा रहा हूँ, मतलब ये देखो ये शहर थोड़ा नीचे वाली हाइट पे है। क्या बात है यार आज के गाइस विजुअल जो है भाई, मतलब एकदम ना रिलैक्सिंग ट्रेन जर्नी है आज की। और एक तो यार मेरा जो व्हील है ना वो जस्ट मेरे नीचे है और उसकी साउंड भी इतनी प्यारी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली मैं ट्रेन की ही साउंड आ रही है, मैं किसी ट्रेन में चढ़ा हूँ अभी डोर पे हूँ। तुम देख सकते हो खट खट, आय हाय हाय गजब। तो तुम लोग आज बताना मत, बोलना भाई
कि हाँ ये एक्सपीरियंस कैसा लगा है फ्लैट व्हील का, और इसका क्रेडिट किसको जाएगा ये तुम्हें पता है। तो चलो ब्रेक लगा लेते हैं अच्छे से एज आई थिंक। अच्छा कौन सा रेलवे स्टेशन है? भिवंडी रेलवे स्टेशन, पता नहीं यार अभी उसका जब वो आएगा ना स्टेशन का बोर्ड तब देखता हूँ ये एग्जैक्टली इसको स्पेल क्या करते होंगे। और मैं अपनी ट्रेन के जो है ब्रेक लगा देता हूँ। आई थिंक 10% एनफ है, ज़्यादा कम भी नहीं होगी स्पीड और बढ़ेगी भी नहीं। ये चलो 7% कर देते हैं और छोटे छोटे हॉर्न बजा के एंट्री लेते हैं अपने भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पे। अच्छा यार यहाँ पे भिवंडी भी लिखा है और रोड भी लिखा है, तो ये क्या कर रखा है तुमने? ये क्या मिक्सचर कर रखा है रेलवे स्टेशन का? ये भाई तुम रेलवे स्टेशन दिखा रहे हो या जूस दिखा रहे हो हमको? अच्छा चलो जो भी है थोड़ा सा अपने लोको पे चलते हैं अब। अच्छा यहाँ पे कोई MEMU ट्रेन खड़ी है यार, अब ये मत कहना भाई कि वो मालगाड़ी इस ट्रेन को ओवरटेक करके चली गई। गाइस अब मैं अपनी ब्रेक्स को कर सकता हूँ रिलीज़ और थ्रॉटल पावर को करते हैं 5%। यार मेरी ट्रेन लूप लाइन से हट गई क्या? ओ भाई देख रहे हो गाइस, लूप लाइन से मेरी ट्रेन हटी नहीं है और जो मेरी मेन लाइन का सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है। ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी था यार। अच्छा बैकग्राउंड में देखो यार सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा भिवंडी की मेन लाइन का भी सिग्नल ग्रीन हो रखा है, मतलब दोनों मेन लाइन के जो सिग्नल है वो ग्रीन हो रखे हैं। तो यहाँ पे इस लोकल ट्रेन का जो कि एक MEMU ट्रेन है जिसको हम पैसेंजर ट्रेन और लोकल ट्रेन दोनों बोल सकते हैं। तो गाइस बहुत ही शानदार डिस्टेंस मैं तुम लोग को यहाँ पे मेंटेन करके दिखाता हूँ सिग्नल से, क्या कहते हो? क्या मैं सिग्नल जंप करूँगा क्या नहीं करूँगा? देखते हैं करूँगा या नहीं करूँगा। अच्छा मेरा कैमरा एंगल कैसा हो गया यार? बैप 7 रोक दिया ट्रेन को प्लेटफॉर्म के उस पे डिस्टेंस पे। हाय 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 क्या मेंटेन किया है भाई ने सिग्नल, आई मीन डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का। अच्छा यहाँ पे कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है गाइस, और ये कौन सी ट्रेन है देखते हैं। अच्छा इधर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, भिवंडी रोड। अच्छा चलो ठीक है। एंड गाइस ये कोई EMD कौन सा साबरमती का WDG4 किसी कंटेनर मतलब कॉन्कर फ्रेट ट्रेन के साथ। हाँ मतलब कंटेनर है यार इसके ऊपर, देख रहे हो गाइस क्या शानदार ट्रैक डाउन कर रही है यार। एक मिनट मतलब तुमने MEMU ट्रेन को मालगाड़ी से ओवरटेक करा दिया। ट्रैफिक अच्छा है गाइस रूट पे आज, आई मीन वसई रोड से तिवा पे भाई अलग ही लेवल ट्रैफिक चल रहा है। इतना तो आपको कभी रियल लाइफ में भी देखने नहीं मिला होगा। कोई बात नहीं यार गेम है, गेम प्ले तो अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना अच्छा वाला। अब देखो मालगाड़ी क्या ही ट्रैक साउंड करके गई है, मज़ा आ गया ना। और बैकग्राउंड में देखो क्या ही भाई सनसेट हो रखा है। मैं अपने इसको ऑफ कर देता हूँ एज इसकी तो हमें नीड है नहीं। और जो भी ट्रेन मुझे ओवरटेक करके जाने वाली है उसका वेट करते हैं, इसको कर देते हैं ऑफ। अच्छा क्या, अच्छा इसको तो ऑफ कर दिया, स्टेशंस के लेबल्स को ऑफ करना था, मैंने ट्रेन के लेबल्स को ऑन कर दिया था वापस से। सो गाइस यहाँ पे कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है, अरे क्या बात है। सो गाइस सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस जो कि निज़ामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए चलती है वो भी यहाँ पर डाइवर्ट हो रखी है, और किसी वैप 7 के साथ उसने मुझे कर दिया है ओवरटेक। कहाँ पर? भिवंडी रोड पर। क्या बात है यार, बैकग्राउंड में सनसेट, राजधानी का ओवरटेक, ये हुई ना कुछ बात। गाइस सीरियसली यार जब LHB ट्रेन ICF को ओवरटेक करती है ना अलग ही लेवल का यार सीन रहता है वो। और चलो अब वेट करते अपनी सिग्नल का। मैं अभी यहाँ पे ओवरटेक बोलने वाला था, तुम खुद से ही नेगेटिविटी बोल दो, मुझे सिग्नल चाहिए यार, मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे जाना है, मुझे सिग्नल दो। तो गाइस देखते हैं सिग्नल का क्या स्टेटस रहता है, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कहते हो मिलेगा? देखते हैं। अरे यार क्या देखते हैं तुम, सामने देखो भाई सिग्नल येलो रखा है मेन लाइन का, एक और ओवरटेक। आज की वीडियो में तुम लोग ना ओवरटेक्स ले लो, सस्ते हो रखे हैं मुझे लग रहा है, तभी देखो इतने सारे मिल रहे हैं। यार इससे अच्छा तो अब तुम इस MEMU ट्रेन को निकलवा ही देते हैं यहाँ से। गाइस देख रहे हो CR की कंट्रोलिंग पे यार एक तरफ मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मेरे ओवरटेक्स इतने अच्छे लग रहे हैं तो मेरे को ट्रैफिक देखने मिल रहा है, तुम लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा और ट्रैफिक इतना सही है बढ़िया है। बट कहीं ना कहीं पर ये जैसे MEMU ट्रेन जिनको भाई फिर प्रायोरिटी में ना फिर एकदम नीचे कर दिया जाता है। देखो उधर एक मालगाड़ी भी खड़ी है, इधर एक MEMU ट्रेन को फंसा रखा है और मेन लाइन से मालगाड़ी निकल चुकी है, क्या होगा यार इसका। चलो वेट करते हैं अपनी जो भी ट्रेन आ रही है पीछे से और देखते हैं अब कौन सी डाइवर्टेड ट्रेन है, डाइवर्टेड होगी या ऑन रूट होगी। आई थिंक इस ऑन रूट, आई थिंक इस सेक्शन पे ना ट्रेन थोड़ी कम है शाम के टाइम पे, तो डेफिनेटली कोई डाइवर्टेड ट्रेन ही हो सकती है। भाई मेरे को मालगाड़ी से ओवरटेक मत करा देना, मैं फिर छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड गाइस टाइम क्या हो रखा है, 6:20, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया यार मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए। तो चलो गाइस ये ओवरटेक के बाद एक काम करते हैं और मैं अपनी वीडियो को फिर एंड करता हूँ थोड़ा सा, चलेंगे साथ में, टेंशन ना लो। तो तुम लोग इतनी जल्दी रोने लगते हो ना यार, आएगा भी यार। सो गाइस कोई ट्रेन कर रही है अप्रोच हमको ओवरटेक करने के लिए, और कोई वैप 7 लग रहा है यार देखने से, देखते हैं कौन सी है। अच्छा मैंने हर्ड ही ऑन नहीं किया। 12168 वाराणसी से
लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि हो रखी है डाइवर्ट। बट गाइस कुछ नहीं कर सकते, मेरी ट्रेन की स्पीड जो रेस्ट्रिक्ट हो रखी है ना भाई 70 पे, तो मुझे यहाँ पे इशू हो रहा है, वरना मैं भी MPS पर जा सकता था 90 अगर मेरे को मेंटेन करनी होती, अगर मेरी ट्रेन सही होती तो। तो चलो गाइस अब आई होप यार मेरे को सिग्नल मिल जाए, इसके आगे यार मैं और ओवरटेक्स नहीं झेल सकता भाई, मुझे सिग्नल चाहिए एज मुझे भाई अब वीडियो को एंड करना है। सो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन को यहाँ पे दे दिया गया है सिग्नल, कहाँ से जाने का, भिवंडी रोड से जाने का। यार ये स्टार्टर है क्या है? स्टार्टर ग्रीन हो रखा है। बस स्टार्टर सिग्नल ग्रीन भी होते हैं क्या यार? देखो यहाँ पे ये ग्रीन हो रखा है, पता नहीं यार ये क्या चीज़ है। एक तो इसके बाद ही मेरा रेड सिग्नल है और फिर भी ये ग्रीन हो रखा है, ये तो अलग ही लेवल का मेरे को भाई सिग्नल दे रहा है। अब पता चला मैं इसको अच्छी स्पीड में क्रॉस कर जाऊँ और आगे वाला मेरा ऑल ऑफ अ सडन सिग्नल रेड हो रखा है, ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पे ये येलो ही होना चाहिए। ये सिग्नल में खराबी हो रखी है, हॉर्न बजाओ और निकलो यहाँ से। तो गाइस चलो एक और हॉर्न बजाऊंगा, इतने में मैं थ्रॉटल पावर को भी इंक्रीज कर देता हूँ। अच्छा देखा अभी तुम लोगों ने, मैंने थ्रॉटल पावर इंक्रीज कर दी थी, मेरे आगे वाली जो ट्रेन थी वो मूव कर गई थी, बट हम झटके से आगे बढ़े हैं, ऐसा क्यों हुआ? मैंने बताया था जर। तो चलो अब अपनी ट्रेन के साथ मैं तुम लोगों को डिपार्ट करवाता हूँ भिवंडी से, और आज का सफ़र मैं इतना ही रख सकता था। अच्छा एंड पार्ट में तुम लोगों को चलो एक बढ़िया सी क्रॉसिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी ओवरटेक के साथ, क्योंकि 11026 जो कि पुणे से भुसावल के लिए एक्सप्रेस ट्रेन चलती है वो भी यहाँ पे हो चुकी है डाइवर्ट। और ये कोई कौन सा लुक है यार, आई थिंक WKM2P है ये यहाँ पे हमें क्रॉस कर रहा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप तुम सभी ने एंजॉय किया हो। आई नो कि थोड़ा सा स्लो स्पीड रहा है बट कोई बात नहीं यार, उतना भी थोड़ा सा रियलिस्टिक था, ऐसा तुम सभी ने देखा होगा, इतनी प्यारी रियलिस्टिक सीनरी थी, इतनी बढ़िया आज का मतलब साउंड वर्क है अपना, और 3 फेसर अपना Vap 7 किसी चीज़ से कम नहीं है, तो मज़ा आ गया होगा, आया ना? अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे, मैं कोशिश करूँगा कि वो बना पाऊँ। सो स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, अब मैं आप सभी से मिलूंगा। यार अब मैं कब मिलूंगा गाइस, मैं डेट तो कुछ नहीं बता सकता अभी, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि एक हफ्ते के बाद मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, एज अ वीक में एक वीडियो तो परमानेंट है, और अगर दो आ जाती है तो फिर ऐसा है कि मैंने लिमिट अपनी पुश कर दी है। तो चलो अब मैं तुम सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और एक्स्ट्रा अगर जो भी हो तुम्हारे पास अलविदा, बट खैर अलविदा तो नहीं कहना चाहिए, चलो मिलते हैं।